बैटिंग अच्छा रहा, बॉलिंग भी अच्छा रहा। इसमें सबसे ज्यादा गुजराती खिलाड़ियों का सबसे ज्यादा भाग रहा, उन्होंने बॉलिंग भी अच्छी की, फील्डिंग भी अच्छी की और बैटिंग में भी अभी आगे है इसके। और इसी पाकिस्तान की जीत को हम वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा मुकाबला मानते हैं। हम पाकिस्तान से कभी हारना ही नहीं चाहते वर्ल्ड कप में, जो हमारी सबसे बड़ी जीत है। आज किस तरह से इंडिया का एक जीतने का पूरा दावा है, किस तरह से आपको सही लग रहा है कि इंडिया टीम का परफॉर्मेंस किस तरह से लगा? सबसे पहले तो हमको लगा कि पूरा टीम एक असर भी बताइए कि जिस तरह से आज इंडिया टीम का परफॉर्मेंस रहा है, क्या मानते हो, क्या कारण रहा और क्या आपने सेलिब्रेशन का प्लानिंग किया पूरा? रोहित शर्मा की टीम ने आन बान और शान से तिरंगा लहरा के अहमदाबाद की धरती पर विश्व के सबसे बड़े नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जो आज विजय पताका लहराई है। हम बहुत दूर से, क्रिकेट का मैदान हो या सरहद हो, भारत हमेशा पाकिस्तान को हरा कर रहा है और हराएगा और हराएगा भी। आज भी हम बहुत गर्व है कि पाकिस्तान के सामने राहुल ने, अरे जिस प्रकार रोहित शर्मा ने पहले बॉलिंग ली और बाद में बैटिंग करी और एक कप्तानी के नाते जब भारत को विजय दिलाई, तो 150 करोड़ से भी ज़्यादा भारतीय आज खुश है। आज पूरे देश में दिवाली का माहौल है, कल से माँ आद्यशक्ति की आराधना शुरू हो रही है। लेकिन क्रिकेट की आराधना, पाकिस्तान के सामने खेलते हुए भारत ने जो लाजवाब प्रदर्शन किया है, उसको हम सलाम करते हैं। जितेंद्र भाई तुम्हें आई जाओ पहला। हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, पाकिस्तान हारेगा, हिंदुस्तान जीतेगा, हिंदुस्तान जीतेगा। साथे बताओ, जय श्री राम, जय श्री अरे
ये